हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया मॉडिफायर का क्लास। तो आज के क्लास में एक नया मॉडिफायर सीखेंगे, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मॉडिफायर है यहाँ पे मल्टी रेज। यहाँ पे जाओगे आप और यहाँ पे आपको मिलेगा ये मल्टी रेज, ये मॉडिफायर है। इस तरह से आपका कोई ऑब्जेक्ट है और ये तो अभी फिर भी उतना हाई पॉली नहीं है, हेवी पॉली। आप कोई भी मॉडल वगैरह डाउनलोड करते हो ऑनलाइन, किसी अपने सीन में यूज करते हो, और वो इतना ज्यादा हेवी पॉली है जैसे कि इस तरह, जैसे ऐसा कुछ। यहां से आप मान लो इस तरह, अभी देखो ये पॉली कितना कम हो गया, और ये बहुत ज्यादा मान लो इतना हेवी हो गया। देखो यहाँ पे और हेवी मतलब कर दूं मैं, मान लो देखो देख रहा हूं फुल कर दिया मैंने। अब इस तरह से कोई हेवी मॉडल है, ठीक है, और आपको यूज करना है अपने सीन में। आपने डाउनलोड किया है, बहुत हेवी है, कैसे यूज करूं, हैंग कर रहा है आपका लैपी या आपका पीसी, तो वहां पे आपका ये मल्टी रेज बहुत ही अच्छा काम आएगा, ठीक है। मल्टी रेज आपको यहाँ पे जाना है, एम प्रेस करोगे मॉडिफायर में, आपको यहाँ पे मेल्ट है, मल्टी रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट हमने मिरर बताया था, देन मॉर्फर है, देन मल्टी रेज है, ठीक है। उसके बाद नॉइस है, नेक्स्ट क्लास में नॉइस करेंगे। मल्टी रेज, तो मल्टी रेज मॉर्फर का उतना ज्यादा यूज है नहीं मॉडलिंग टेक्सचर लाइटिंग में, इसका अलग यूज है। किसी को अलावा सीखना हो तो ऐसे मैं बता दूंगा, बट मल्टी रेज आज हम समझा रहे हैं। मल्टी रेज में कैसे इसका यूज क्या करना है, यहाँ पे आपको जनरेट कोई भी हेवी पॉली मॉडल आप डाउनलोड करते हो, वहां आपको इसको उसको लो पॉली में कन्वर्ट करने के लिए यूज करना है। ऐसा कुछ आप जनरेट पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे थोड़ा सा हो सकता है ऐसा कुछ ये घूमने लगे, देन आपका ऐसा कुछ वर्टेक्स परसेंटेज, वर्टेक्स काउंट, ये सब आपको दिखाने लगेगा कि इतना कुछ आपका वर्टेक्स परसेंटेज, अभी ये 100% है, ठीक है। अब मैं यहां से इसको जितना चाहूं कम कर दूं, मान लो मैं 50% कर देता हूं कि 50% मेरा यूज हो, तो ये देखिए ये 50% हो गया, इसको और ज्यादा करना है 30, ये देखिए ये हो गया 20। ये जितना कम करते जाओगे आपका मॉडल उतना हल्का होता चला जाएगा, ठीक है। रेंडरिंग में उससे कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, बहुत ज्यादा भी कम मत करना, 10-20 मत कर देना, थोड़ा सा 30 तक रखना, 20-30 तक, नहीं तो फिर प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है आने लगे इस तरह का। तो ये देखिए इस तरह से आप हल्का कर सकते हो अपने मॉडल को और आसानी से यूज कर सकते हो। जैसे ही आप इसको यूज करोगे, ठीक है, 50, 30, 20 ऐसा कुछ करोगे, आपका मॉडल जो हैंग हो रहा होगा पीसी वो ठीक हो जाएगा। तो ये है, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। बाकी इस काउंट को भी आप जैसे देखो कितना रखना है, वर्टेक्स काउंट हमको कम करना है, वर्टेक्स काउंट भी देखिए यहां से भी ये डिपेंड करता है। जैसे ही मैं 100 करूंगा, वर्टेक्स काउंट देखो बहुत ज्यादा हो गया, अपने आप ही वर्टेक्स काउंट कम हो रहा है। 50 किया, देखो 30 किया, तो देखो वर्टेक्स काउंट अपने आप ही कम हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका मल्टी रेस मॉडिफायर। इस तरह से आप करोगे, देना पैसा कुछ जितना मर्जी है आपको अपने सीन में यूज करना है। देखो जैसे ही मैंने कॉपी किया, एक था तो ठीक था, जैसे ही कॉपी किया तो देखो ये हैंग होने लगा। तो इसी तरह से आप, ये तो अभी छोटा सा कुछ है ऑब्जेक्ट है, जब आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अपने सीन में यूज करते हो और वो आप डाउनलोड करके यूज करते हो और इस तरह से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वहां पे आपको ये मल्टीरियल बहुत हेल्प करेगा डाउनलोडेड मॉडल्स को यूज करने में। या आपका भी कोई खुद का बनाया हुआ हेवी मॉडल है, उसको हल्का करना है, लो पॉली करना है, तो ये मल्टीरियल आपको बहुत हेल्प करेगा। पार्टी के ये वर्टेक्स मैपिंग, ये सब उतना कुछ खास इसका यूज नहीं है इन चीजों का, मेन बस इसी का यूज है कि वर्टेक्स परसेंटेज आप यूज करोगे, जनरेट करना है, वर्टेक्स परसेंटेज आपको कम करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए मॉडिफायर के साथ और नेक्स्ट नया मॉडिफायर सीखेंगे। अगर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ आई आइकन पे आपको प्रॉपर मॉडिफायर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे मॉडिफायर्स, आपको लगभग सभी मॉडिफायर्स मैं बता रहा हूँ, कुछ ही है जिनको छोड़ रहा हूँ जो कि मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग में उनका यूज नहीं। तो आप सारे मॉडिफायर्स यहाँ प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, नीचे भी यहाँ आई आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, जा करके देखिए, अच्छा लगा है लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।